बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो गाइस कैसे हैं आप? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत से हों और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम रिव्यू के सिलसिले में हाजिर हुए हैं जो कि सेमी फाइनल ख़त्म हुआ और उसके बाद फाइनल हमारा इंग्लैंड के साथ आ गया। और 1992 की जो वर्ल्ड कप की याद है वो इंशाल्लाह ताज़ा होगी, क्योंकि हमारे व्यूअर प्लस हमारे 22 करोड़ आवाम जो है उनकी दुआएं शामिल हाल रहीं। तो फिर मियादात बनने के लिए किसी को कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ेगी। हमारा शाहीन शाह फरीदी अटैकिंग बॉलर और वो बन जाएगा जनाब वसीम अकरम। और इसी तरीके से शाहीन शाह फरीदी जिस तरीके से उसने सेमीफाइनल में 152 स्कोर को डिफेंड करने के लिए पहले ही ओवर में पहली गेंद पे जैसे ही चौका लगा तो शाहीन जो है उसका गुस्सा आप से बाहर हो गया। अगली ही गेंद पे उसने बंदे को आउट कर दिया, उसने नहीं माना तो वसीम अकरम की तरह उसने कहा वापस आओ मैं देखता हूं तुम्हें। और जिस तरीके से वसीम अकरम ने गेंद की और श्रीकांत जो कि इंडिया का था उसके सर पे गेंद लगी बाउंसर और 13 टंके जो हैं वो लगे। इसी तरीके से वही याद शाहीन शाह फरीदी ने भी ताज़ा की और अगली ही गेंद पे उसको आउट कर दिया। 152 रन का स्कोर ऐसे डिफेंड कर दिया जिस तरीके से T20 मैच में ये तकरीबन 250 स्कोर। अगर दूसरी तरफ आपने हरीफों की बात की जाए, हमारे रवायती हरीफ भारत, तो उनके पास चूंकि थ्रू आउट जो परेशानी है उनको, वो जीतते हैं मैच तो सिर्फ बैटिंग के जोर पे, उनके पास कोई अटैकिंग बॉलर इस तरह का है नहीं। जैसे कि एशिया कप हो रहा था तो मियादाद ने आखिरी बॉल के ऊपर 5 रन चाहिए थे और उसने छक्का मार दिया हाफ पिच के ऊपर। चेतन शर्मा जो है वो गेंद को डिलीवर करने जा रहा है और मियादाद जो है उसने जनाब जैसे ही गेंद डिलीवर की हाफ पिच में आपके आ करके उसने उसको उठा दिया। और कुछ लोगों का ये कहना भी था कि ऐसा हरगिज नहीं हुआ, जैसे ही गेंद आई उसने पकड़ के जेब में डाली और बल्ला वैसे घुमा दिया। तो गाइस ऐसा होता नहीं है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है तो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने आप को सहारा देने के लिए, आसरा देने के लिए ये काफ़ी माकूल बहाना है। तो हमने जो भारतीय सूरमाओं को जनाब धूल चटानी थी तो वो हमारा काम आसान कर दिया इंग्लैंड ने, लेकिन हमारा गुस्सा वहीं पे मौजूद है। हम उसका बदला अब इनसे लेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जो दुआएं हैं वो 22 करोड़ आवाम जब दुआ करेगी तो अल्लाह को किसी न किसी की तो माननी पड़ेगी। तो यही बात वजह है कि हमने जैसे ही 2 मैच पाकिस्तान की टीम हारी तो हमने ये रिव्यू में बताया था कि देखो ऐसी बात नहीं है, 2 मैच हमने 92 में भी हारे थे और आज वही तारीख दोहराने जा रही है। शाहीनों की टीम वर्ल्ड 11 और ये सारा कुछ तब कर पाएगी जब आपकी दुआएं शामिल हाल होंगी। और जैसे ही सेमीफाइनल हमने जीता, फाइनल में हमारी टीम पहुंची तो हमने उसका जश्न मनाया। और वो जश्न, हमारा जश्न जो होता है वो कैसा होता है, हम सजदारेज हो गए और नफल भी पड़े, उसके साथ साथ हमने मज़ीद दुआएं की अपने वर्ल्ड 11 के लिए कि अल्लाह करे ये जो वर्ल्ड कप T20 है हमारे नाम होना चाहिए। और इंशाल्लाह होगा, ये शाहीन शाह फरीदी वही तारीख को दोहराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये अपनी ही गेंद पे खुद अटैकिंग फास्ट बॉलर अपनी ही गेंद पे खुद कैच ले सकता है तो नो प्रॉब्लम, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि हमारे जो गाइस हैं उनकी दुआएं शामिल हाल रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नौमी भाई को दीजिए इजाज़त और दुआओं के साथ, इन दुआओं के साथ कि हम जो कल हमारा फाइनल होने जा रहा है इंग्लैंड के साथ तो हम उनसे अपने रवायती हरीफ भारत का बदला ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह।